हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ग्लास बॉटल में फ्लूइड आर्ट करने वाले हैं। तो किस तरीके से हमें फ्लूइड आर्ट इसमें बॉटल में करना है वो चीज़ मैं आज आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वन साइडेड प्लेन सर्विस की आपको एक बॉटल लेनी है और हमें यूज़ करना है एक फेविक राइल के मोल्डेड क्ले। कुछ इस तरीके के आप क्ले ले सकते हैं जिसको हम मिक्स करके बनाते हैं। तो इस क्ले को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मुझे इसमें जो मैंने प्लेन जो सर्फेस है बॉटल में उस पर मुझे एक बॉर्डर लाइन बनानी है, तो मैं एक क्ले की हेल्प से उसमें एक बॉर्डर लाइन का डिज़ाइन दूंगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आप फ्लूइड आर्ट करने वाले हैं बॉटल में तो उसका एक सरफेस प्लेन होना चाहिए। इस चीज़ को आप एक बार को देख लीजिए, तब आप इस तरीके का डिज़ाइन उसमें बना सकते हैं। क्ले को पेस्ट करने के लिए मैं ले लूँगा फैब्रिक ग्लू। कुछ इस तरीके की ट्यूब आती है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, और मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू के नाम से आती है। आप चाहें तो फेविकॉल या फिर फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं। तो बॉटल को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम सिलिकॉन का ये मोल्ड ले लेंगे। उसमें जो मैंने रोज़ का डिज़ाइन निकाला है कुछ इस तरीके से आप क्ले से बना सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने क्ले का वर्क कर लिया है। अब हमें इसमें प्राइमर का यूज़ करना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, बर्जर का आप वाइट प्राइमर ले सकते हैं, चाहे बर्जर का हो चाहे एशियन का हो, कोई भी कंपनी का आप वाइट प्राइमर ले सकते हैं। वाटर बेस्ड होना चाहिए बस। तो वो जिस तरीके से आप पहले वाइट प्राइमर का यूज़ करें उसके बाद ही कलर को अप्लाई करें। तो मैंने एक स्पंज ले ली है, उसके थ्रू मैं इसमें वाइट प्राइमर का यूज़ कर रहा हूँ। तो वाइट प्राइमर का यूज़ आप जब इसमें करेंगे तो जब ये पहला कोड आपका जो ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप सेकंड करेंगे, और अगर आपको लगता है कि वो सेकंड सफिशिएंट है उसके बाद आप कलर कर सकते हैं, नहीं तो आप थर्ड कोड भी करने के बाद उसमें कलर कर सकते हैं। तो इसमें मैं फ़िलहाल दो कोड का इसमें यूज़ करूँगा। अब हमारा प्राइमर पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमें फ्लूइड आर्ट के लिए देखिए कुछ इस तरीके की एक तो किट आती है फैब्रिक राइल की, देखिए पोरिंग किट आती है। आप चाहे किट ले सकते हैं या फिर इसका मीडियम आप अलग से भी बाय कर सकते हैं। तो ये आ जाता है पोरिंग मीडियम, इसमें हम फ्लूइड आर्ट का वर्क करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे अब इसमें एक्रेलिक कलर। तो मैं ले लेता हूँ पहले वाइट एक्रेलिक। कुछ इस तरीके की बॉटल आती हैं, और एक कलर ले लेंगे हम ब्लू कलर। तो वाइट और ब्लू का ही हम फ्लूइड आर्ट में इसमें वर्क करेंगे। आप चाहें तो कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें दो कलर का मैं यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप पहले तो दो डिस्पोजल ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा थोड़ा जितना आपको कलर का इसमें यूज़ करना है। जैसे देखिए बॉटल है तो उसमें हमें ज़्यादा कलर हम तो क्वांटिटी नहीं लेंगे, इसलिए उतना ही क्वांटिटी लीजिए जितना आपका मतलब आपका साइड से बहना नहीं चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको अपना कलर को लेना है। तो थोड़ा सा मैंने ब्लू ले लिया है, थोड़ा सा मैं वाइट को लूँगा। बस कलर आप इतना ध्यान रखिए कि कलर उतना ही मिक्स करें जितना उसमें आपका यूज़ हो। अब हम इसमें पोरिंग मीडियम का यूज़ करेंगे। अब आपको पोरिंग मीडियम का कुछ इस तरीके से यूज़ करना है, जैसे आपने एक्रेलिक कलर का ले लिया 1:1 और 2:2 हो जाता है मीडियम का, जिससे आपका कलर थोड़ा सा पतला हो जाए और उसको आप अच्छे से फैला सकें।
तो कुछ इस तरीके से आप दोनों में इसको यूज़ कर लीजिए। अब किसी आप फिस्टिक की हेल्प से इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है। अलग अलग ब्रश से आप इसको अलग अलग कलर को मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वही स्टिक से आपको मिक्स कर लिया। अब मैं दूसरी स्टिक से इसको ब्लू कलर को मिक्स कर रहा हूँ। अब आपको एक डिस्पोजल आपको और लेना है और इन दोनों कलर को बारी बारी से मिक्स करना है। जैसे मैंने पहले वाइट ले लिया, उसके बाद ब्लू ले लिया, उसके बाद मैं फिर वाइट का यूज़ करूँगा और उसके बाद फिर ब्लू का यूज़ करूँगा। तो कुछ इस तरीके से आपको कलर को मिक्सिंग करनी है। अब जैसे हम मीडियम का यूज़ करते हैं तो देखिए कलर ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं जब तक आप उसको एक सरफेस में लेके नहीं आते। तो कुछ इस तरीके से पहले मैंने इसमें मिक्स कर लिया है एक डिस्पोजल में। अब इसे हम अच्छे से बॉटल में लगा लेंगे। मैं आपकी बॉटल हिलनी नहीं चाहिए उस टाइम पे। कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन देना है। अब आप बॉटल को इस तरीके से हल्का सा रोटेट करके उस कलर को फैला सकते हैं। अब जैसे देखिए मैंने कलर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं ली है तो इसमें कलर की क्वांटिटी ओवर भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कलर इसमें और मिक्स कर दूंगा, बाकी मैं कुछ स्टिक से इस तरीके से फैला देता हूं। अब जैसे हम कैनवास में कुछ इस तरीके से हम करते हैं फ्लूइड का, तो उसमें हम कलर ज़्यादा ही चाहिए होता है, लेकिन बॉटल में मुझे इतना ही लेना है जितना इसमें वेस्टेज ना हो और आइट साइड में इसका ना लगे। तो इसलिए बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको आप एक स्टिक की मदद से आप इसको फैला सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से हमें फ्लूइड आर्ट करना है और इसको बॉटल को बगैर हिलाए इसी तरीके से आपको इसको ड्राई होने के लिए रख देना है 8 to 10 hours तक। अब ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब इसमें हम साइड से कलर को अप्लाई करेंगे। तो कलर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से कलर हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें मैं ले लूँगा देखिए क्रीम कलर। इस कलर को हम एक स्पंज की हेल्प से इसको अप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए आप बिल्कुल सिंपल स्टाइलिश बॉटल को बना सकते हैं फ्लूइड आर्ट से, जिसमें मैंने बाकी एरिया बिल्कुल प्लेन रख दिया है और फ्रंट जो है उसमें आपने फ्लूइड वर्क किया है। कलर ड्राई होने के बाद इसमें हम वार्निश का यूज़ करेंगे। ग्लॉस वार्निश का मैं यूज़ कर रहा हूँ जो डेकोर की आती है। तो इसको अप्लाई करने से आपकी बॉटल में थोड़ी शाइनिंग आ जाती है और काफ़ी सेफ हो जाती है, कलर परमानेंट हो जाता है। तो हमेशा वार्निश का यूज़ ज़रूर करें बॉटल में।
कुछ इस तरीके से आप नॉर्मल ब्रश से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आने वाली वीडियोस में मैं काफ़ी न्यू टेक्निक का मैं यूज़ करने वाला हूँ ग्लास बॉटल में, तो मेरे चैनल में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।